अरे कहाँ है इतना हल्ला कर रहा है? क्या कुछ कहेंगे? गंभीर आरोप है। क्या कुछ कहेंगे? जनता के सेवक है, हमेशा सेवा करते रहेंगे। पुलिस को धमकाने और मारपीट हमेशा स्वच्छ होती है, गलत हमेशा गलत होता है। जनता के लिए मैं हमेशा लड़ा हूँ और लड़ता रहूंगा। क्या कुछ कहेंगे? ब्रीफ करवा दीजिए सर। सर क्या सर सर क्या कुछ एमएलसी साहब क्या कुछ कहे? अरे वहाँ है सर, क्या कुछ कहेंगे? काफी गंभीर आरोप लगे हैं। आपने क्या बात की? काफी गंभीर आरोप लगा था, क्या कहेंगे? रुक जाइए रुक जाइए, लोगों नीचे रखो यार। लोगों नीचे। आज जिस प्रकार से पूरी घटना हुई, हंगामा हुआ, अभी कोई कमेंट नहीं, अभी बाद में फंसा। तो आपने कहा क्या बातचीत? क्या बातचीत हुई इतने देर तक? आखिर आप थाने में रहे, क्या बातचीत हुई सर? अरे बैठ के गपशप कर रहे थे भैया मेरे। अच्छा, बेटे पे आरोप लगा है कि हंगामा। आरोप तो लगता ही रहता है। एफआईआर दर्ज हुआ है उनपे। हो गया तो हो गया, आप गलती मानते हैं ना? क्यों गलती की? तो क्या कार सरकारी कार में बाधा पहुँचाने का एफआईआर दर्ज हुआ है उनपे? सुनिए, पुलिस के साथ गाली गलौज है, वही बात हम कर रहे हैं। गाली गलौज है नहीं। आज की घटना है कि कल की घटना में शामिल एक व्यक्ति को थाना पर लाया गया था चिन्हित करते हुए। तो उसको छुड़वाने के लिए वार्ड संख्या 40 के पार्षद अशफर अहमद साहब थाना पर आए। उन्होंने हमसे बोला कि जिसको पकड़ के लाए उसको छोड़ दीजिए। तो हमने उनको यही चीज़ कहा कि ठीक है, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर वे निर्दोष होंगे तो छोड़े जाएंगे, दोषी होंगे तो जेल जाएंगे, और मैं आधा घंटा 40 मिनट में निर्णय ले लूँगा। इसके बाद फिर वो 20-25 मिनट के अंदर ही आ गए, उसकी बेटी को लेकर के, अपने एक दो आदमी और उनके साथ था, और जिसको पकड़ के लाए थे हम लोग, वो आदमी भी था। ये चारों पांचों आदमी जोर जोर से थाना पर अनधिकृत रूप से बहुत हल्ला गुला करने लगा, थाना पर उपस्थित पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा, सरकारी कार्य में ये बाधा डालने लगे, और इनकी ऊँची आवाज़ को सुन करके हम भी इंस्पेक्टर साहब के चैम्बर में से निकल करके बाहर आए, तो मेरे सामने भी बहुत ही ऊँची आवाज़ में अभद्र भाषा में बात करने लगे, और मैंने उनको कहा कि आप थाने से बाहर जाएं, गेट से बाहर जाएं। इस पर हमारे साथ भी उन्होंने बोला कि कुछ अभद्र भाषा का व्यवहार किया, सरकारी कार्य में बाधा डाले हैं। फिर बोलने लगे कि मैं 5,000 की संख्या में भीड़ को बुलवा लूँगा तुरंत, और मैं स्थिति को दूसरा रंग दे दूँगा। ये इस तरह की धमकी देने लगे, और कुछ भी है आपके साथ किया गया? मिसबिहेव हमारे साथ नहीं किए, लेकिन कोशिश, मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग तो जरूर किए हैं, भाषा का प्रयोग। अभी सड़क जाम कर दिया गया है? अभी सड़क जाम कर दिया गया, तो इसको हम लोग देख रहे हैं, हम लोग यथोचित कार्रवाई करेंगे। कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं? कितने लोगों की गिरफ्तारी? वार्ड पार्षद गिरफ्तार हुए हैं, और जिस व्यक्ति को हम लोग ले आए थे वो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, कल की घटना में वो भी व्यक्ति भी थे। अच्छा, वार्ड पार्षद जो आए हैं वो आज की घटना में तो हैं ही, कल की घटना में भी ये शामिल थे। कल की घटना में भी हम लोग इनको नामजद कर रहे हैं, उस घटना में भी ये इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके फादर हैं तो अपने बेटे की पैरवी में वे आए, हालांकि वे भी जोर जोर से बोल रहे थे, लेकिन कोई कुछ उस तरह का मतलब कानून विरोधी काम के द्वारा नहीं किया गया, इसलिए उनको हम लोग अभियुक्त नहीं बना गए। अपने बेटे का पक्ष ले रहे थे कि बेटा हमारा निर्दोष है, ये सब बात कर रहे थे। ये रहा कि वो भी धमकी दे रहे थे कि यहाँ दंगा करा देंगे, ये करा देंगे, ये बोल रहे थे वो। इतना चीज़ बोल रहे थे कि अगर आप लोग नहीं छोड़िएगा तो फिर हम ऊपर तक जाएंगे, अपना जहाँ तक मेरा पहुँच है वहाँ तक मैं जाएंगे। और धमकी देने वाली बात हो गई? हाँ नहीं, ये बोल रहे थे कि हम ऊपर तक जाएंगे, आप लोग नहीं छोड़िएगा। कपड़ा फाड़ने की भी बात सामने आई? हाँ, कपड़ा फाड़ने की बात, वार्ड पार्षद महोदय जो है 40 के अशफर अहमद साहब, वे अपने कपड़ा को अपने से फाड़े, ये सीसीटीवी फुटेज में भी आ रहा है, जो थाना का सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी आ रहा है, अपने कपड़ा को अपने से फाड़े हैं, मामला को दूसरा रख देने के लिए। कैद हुई है तस्वीर? हाँ, थाना के कैमरे में कैद। हाँ है, जाँच की जा रही है? हाँ, जाँच की जा रही है, अनुसंधान का भी पार्ट है, इसीलिए हम लोग उसको भी
अभी तक कितने लोगों पर एफआईआर की जा रही है जो छोटे मामले में? कल की घटना में एफआईआर लगभग 11-12 आदमी पर कल की घटना में हुआ है, आज की घटना में दो व्यक्तियों पर। एक का क्या नाम है सर? असफर साहब का अलावा एक नाम है सरफराज अहमद, या क्या नाम है?